तो आज हम लोग जाना है डॉक्टर के पास, और हमारे पापा जो है डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते, और तबीयत उनका बहुत ज्यादा खराब है, जाना ही नहीं चाह रहे हैं और जा रहे हैं पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल, और ये हॉस्पिटल है ग्लोकल। बाबा को अंदर हम लोगों ने बैठा दिया है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी, हमने पिछला ब्लॉग देखा जो जिया ने खुद से शूट किया था, और उसका सारा वीडियो सब तो एडिट जी इधर से ही हुआ था। काफी अच्छा लगा जी कि जिया ने जो है अपनी बात को बखूबी रखा। जिया तो पूरा हिचकिचा रही थी, वह डालना नहीं चाह रही थी वीडियो, लेकिन हमने उसको बोला कि नहीं देखो, तुमको अपनी बात रखनी चाहिए। बार बार यह कमेंट आते रहता है, पिछले लगभग लगता है कि 4 साल से जब भी जिया का मैके का कुछ भी आता था वीडियो, तो कुछ इस तरह का कमेंट आता ही था। तो उसके ऊपर जो है जिया ने अपनी बात को रखा और बहुत अच्छे से बात रखा, और आप लोगों का कमेंट भी हमने देखा कि आप लोग बहुत सराहा रहे थे। तो आप लोग के कमेंट से जो है जरूर उसको मोटिवेशन मिल रहा होगा, और वह जो है आगे से हिम्मत करेंगी कि हाँ कोई बात नहीं है, पतिदेव बगल में नहीं है तो भी हम वीडियो शूट कर लेंगे। क्योंकि अभी फिलहाल कुछ ऐसी ही स्थिति रहती है कि जिया के आसपास जब भी नहीं रहते हैं तो जिया शूट करना ही नहीं चाहती है, खास करके कोई टॉपिक हो, सेंसिटिव टॉपिक हो, तो वहां वह जो है सोचती है कि हम बगल में रहेंगे तो एक गाइडेंस मिल जाएगा, तो उस तरीके से बोलेंगे। तो लेकिन जो लास्ट टाइम जो हमने उसका वीडियो देखा, काफी अच्छे से उसने सब कुछ किया। और आप लोग ऐसे हैं जी, प्यारे प्यारे कमेंट करिए, प्यारे प्यारे अपने सजेशन भेजते रहिए, और उन सभी को जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। तो फिलहाल बज किया है जी रात के 10:10 है, और हमारा दूध भी आ चुका है, तो अपना दूध अपना पियेंगे। और क्रियान सबकी बहुत याद आ रही है यहाँ पर, दादा दादी सभी लोग मिस कर रहे हैं, हम लोग भी बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, स्पेशली दादी। दादी के जरिए जो स्पेशली बार बार भी बोला जा रहा है कि उसको जल्दी से लाओ, अब यहाँ पर मन बिल्कुल नहीं लग रहा है उसका, जो है एक एक किस्सा सब जो है सब कुछ बोला जाता है। जैसे कि हमारे दूध वाले एक भैया आते हैं, तो क्रियांश खुद से जाता है खाली डब्बा लेकर के दूध लेने के लिए, और भरा हुआ डब्बा लेकर के आता है। और उसके बाद जैसे हम लोगों की यहाँ पानी देने के लिए आते हैं भैया, तो क्रियांश जो है उस पानी वाली गाड़ी के पास खड़े रहता है, इस सब चीज को एंजॉय कर रहा होता है। जब भी घर में मिक्सी चल रहा होता है तो क्रियांश जो है तुरंत चला जाएगा उसको देखने के लिए, इंडक्शन चल रहा होगा तुरंत चला जाएगा, घर में वॉशिंग मशीन सब चल रहा होता है तो उसको देखने में बड़ा मजा आता है, वहां जो उसका मोटर का आवाज आता है जो ड्रायर का। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी छोटी चीजें हैं जी, और इन हर छोटे लम्हे में जो है हमारे बेटे का याद आता है, दादा दादी जो है अपने पोते को याद करते हैं कि बहुत याद आ रही है उसकी। फिलहाल अभी कुछ दिन तक तो है वो लोग वहाँ पर, और उसके बाद जो है यहाँ पर आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो वो लोग भी अपना वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। The next day. Good morning, आप सभी को। सुबह के बज चुके हैं 7:30, और मैं 7 बजे उठ गई थी और ब्रश व्रश कर लिया, और अभी चलते हैं क्रियांश के पास। क्रियांश 5 बजे ही उठा है और अभी तक घूम ही रहा है, तो चलते हैं उसके पास। सुबह सुबह उसको हम लोग केला खिलाते हैं, तो रिया बोल रही है कि आज केला खाया ही नहीं, तुम्हें खिलाओ, तो चलते हैं केला खिलाते हैं। बाकी उस डेली उससे खा लेता था, आज पता नहीं क्यों नहीं खा रहा है। तो क्रियांश शायद वहाँ पे पकड़ी क्या लग रहा। क्रियांश को हम आए थे केला खिलाने के लिए, और इसकी नानी जो सुबह सुबह इसको दलिया खिला दिया, ये सोच रहा है कि फिर वैसा ही स्वाद लगेगा, खाना ही नहीं चाह रहा है केला, अब सोच रहे थोड़ी देर में खिलाएंगे। ये देखिए तो क्रियांश जो है ना चला गया फिर से घूमने के लिए, वो केला खाया नहीं क्योंकि सुबह सुबह मम्मी उसको 2-3 चम्मच दलिया खिला दी थी, दलिया उसको पसंद है नहीं, इस वजह से वो फिर से नहीं खा रहा। तो थोड़ी देर बाद इसको फिर से ट्राई करेंगे केला खिलाने, क्योंकि वो डेली केला खाता था सुबह और आज नहीं खाया। मम्मी सोची कि थोड़ा दलिया खा लेगा तो अच्छा होगा, लेकिन वो दलिया के चक्कर में कुछ नहीं खाना चाहता है, सिर्फ दूध पी के गया। आएगा थोड़ी देर में तो टेस्ट हो सकता है, घूम फिर के आए तो टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाए और भूल भी जाए उस चीज़ को। तो खिलाते, बच्चों को खिलाना इतना आसान नहीं है, बाप रे, उस
स्पेशली क्रियांश को तो मतलब हर टाइम उसके लिए सोचा जाता है कि वो ये चीज खा ले, वो ये चीज खाएगा कि नहीं खाएगा। तो सुबह सुबह आ गया हमारा चाय तो पीते हैं, और बाबू जो है अभी तक आया ही नहीं है, वो बस यहाँ पे घूमते रहता है इधर से उधर उधर से, तब इतना फ्री तो उसको हाँ मिलता नहीं है, यहाँ पे बस घूमना रहता है उसको। A few moments later. यहाँ पे हमारे सर जी आए हैं, और जब भी हम आते हैं तो इनसे जरूर कपड़ा सिलवाते हैं, क्योंकि हमारे सर जी बहुत अच्छा कपड़ा सिलते हैं। यहाँ देख सकते हैं इतना सारा मेरा कपड़ा है। One hour later. तो हम नहा के आ चुके हैं, और मेरा बेटा जो क्या कर रहा है लल्ला, क्या कर रहा है इधर इधर क्या कर ले हो? आ मैं पी के दिखा, पी के दिखा, खुद से पानी पी रहा है क्रियांश, कैसे पीते हैं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फिनिश करके दिखा दो सबको। हाँ दिखा रहा है कि माँ में पी लिए, फिनिश करके दिखा दो, फिनिश करके दिखा दो सबको, दिखा दो फिनिश करके। वाह वेरी गुड वेरी गुड, फिर से पिया, फिर से पीछे, फिनिश कर दो, फिनिश फिनिश कर दो। जय, अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, जय। वाह 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 वाह। तो क्रियांश अभी सो गया है, और उसके सोने के बाद मैं कर रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में क्या मैं दिखाती हूँ आपको, नाश्ते में एकदम घी लगा और रोटी, ये देख सकते हैं रोटी दिया मैंने एकदम मस्त घी लगा के, और ये परवल है, इसमें परवल मसाला भरा हुआ है, एकदम भरा हुआ परवल है, आलू का भुजिया, करेला भरा हुआ, ये तो बहुत अच्छा लगता है ये दोनों मुझे। वैसे मुझे करेला खाना पसंद नहीं है, लेकिन जब ये मम्मी भर के बनाती है ना, करेला भर के परवल भर के, बहुत अच्छा लगता है, मस्त लगता है। जिसको करेला खाना भी पसंद नहीं है वो भी खाने लग जाएगा। तो चलिए खाते हैं, क्रियांश सोया हुआ है तो थोड़ा सा हम भी सो जाते हैं। तो अभी दोपहर का समय हो रहा है, हम आ गए हैं दरवाजे पे, और इधर जो है ना घास काटा जा रहा है, दिखाती हूँ मैं। इधर देख सकते हैं हमारा भाई सब जो एकदम घास काट रहा है, घास काटने का इन लोगों को जो है, घास काटने पे आइसक्रीम मिलता है सबको एक एक। अभी हमारे भैया जो आते हैं घास काटने वाले, वो अभी आ नहीं रहे हैं, तो इन्हीं लोगों को पोट पोट के काम करवाया जा रहा है इन्हीं लोग से। इतना सारा घास है, घास काटने के बाद इन लोग क्या मिलता है तुम लोग को घास काटने के बाद? आइसक्रीम, आइसक्रीम, इसलिए काटो आराम से। बाकी वैसे तो इन लोग रहता नहीं है, अभी छुट्टी हुआ है, इन लोग का रिजल्ट नहीं निकला है, तो इन लोग घर पे है, तो इन लोग को बड़ी मजा आता है घास काटने में, घास काटने के बाद आइसक्रीम खाओ, इसलिए इतना तेजी दिखा रहा है, ये देख सकते कितना मजे है, मैं तेजी से काट होता है, रात में दर्द होता है। अच्छा, और इसी घास में से ना भुट्टा निकाला जाता है, निकाल के दिखा, एक भुट्टा निकाल के दिखा, एक कैसे निकालता है, ये देखिए ये रहा भुट्टा, इसको छीलेगा, चुन चुन के रख लेते हैं कुछ कुछ जो जितना खाना है, बाकी गैया को दे दिया जाता है। ये देखिए वाह एकदम मस्त मीठा लगता है, मीठा लगता है ना ये, क्योंकि खिंचा है। चुन लो भुट्टा, हाँ चुन के रख लो। और ये जो इतना बड़ा सा घर देख रहे हैं आप, इसमें सिर्फ और सिर्फ अनाज रहता है, यहाँ पे एक बाइक लगी हुई है, इधर भी अनाज रहता है, जितना ये ड्राम वगैरह है ना इसमें भरा रहता है। अभी तो समय नहीं है फसल का, कटेगा फिर पूरा भर जाएगा, और इसमें पहले से भरा हुआ है, तो ये पूरा रूम भरा हुआ रहता है, और ये तो सबसे बड़ा रूम है, ये देखिए ऐसे भरा रहता है इस रूम में। तो ना मुझे लगता है जब फसल का सीजन आता है मैं दिखाऊंगी, ऐसा ड्राम पूरा भरा रहता है, बहुत बड़ा रूम है, उधर तक सिर्फ अनाज रहता है इसमें। बाकी ये भी बहुत बड़ा रूम है, इसमें देख सकते हैं कि मक्का का खैया भरा हुआ है, क्योंकि अभी अनाज आया नहीं है, फिर इसको हटा दिया जाएगा। और बाकी ये जो रूम है इसमें भी भरा हुआ है, अभी अभी तो फसल का सीजन है, जब सारा फसल कट जाता है ना तब तो ये पूरा यहाँ पे यहाँ से वहाँ तक पूरा भरा रहता है। और ये रहा हमारा सुबह सुबह का चाय, की कर रहे थे बिस्कुट ले थे ना, पूजा करो, और आज मैं बिस्कुट नहीं खाऊंगी, ऐसे ही चाय पीऊंगी, क्योंकि मुझे करना है पूजा, बहुत दिनों से मैंने पूजा नहीं किया, यहाँ आई हूँ तो एक दो दिन बस ऐसे जा रहा है, और मम्मी खिला देती है सुबह सुबह कुछ, और मुझे ये नहीं कि बिस्किट खा के पूजा करना है, नहीं मैं नहा के ही फिर कुछ खाती हूँ, बस चाय पी लेती हूँ, पूजा बिना खाए होता है हमारा, और चाय पीती हूँ चलती हूँ, तब पूजा का बर्तन वगैरह धोएंगे फिर नहा के पूजा करेंगे। और यहाँ देख सकते हैं हमारी मामा पूजा का बर्तन एकदम चक 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 करके धोती है, ये देखिए कितना चक चक करता है, एक मामा खाली तनी अंदर में दाल छ, अरे छूटे पूरा गिलास रहेगी पूरा साफ कर लिए, मामा आराम से यहाँ कुर्सी लगा के बैठती है और अपना पूजा का बर्तन धोती है। और यहाँ देख सकते हैं हमारे बाबा जा रहे हैं, हाँ क्या हुआ क्या कर रहे हैं, अरे
हाय। तो क्रियान सभी कार्टून देख रहा है अपना, वैसे तो इसको तो ज्यादा मिलता नहीं है, लेकिन अभी जो है रो रो के अपना टीवी खुलवाया है। तो आज हम लोग जाने हैं डॉक्टर के पास, और हमारे बाबा जो है डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते। क्या करें बाबा रे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। और तबीयत उनका बहुत ज्यादा खराब है, जाना ही नहीं चाह रहे। पहले तो हम सोचे थे कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर सोच रहे हैं कि चले जाते हैं, क्योंकि बाबा किसी का बात ही नहीं मान रहे। और क्रियांश जो है अपनी मौसी के पास आराम से रह लेता है, उसको कोई जरूरत नहीं है मेरी, तो वो आराम से रहेगा, फिर आ जाएंगे। कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, हमको हुआ क्या है? बोलो तो, बोलो क्या है, क्या है कि बाबा डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, लेकिन हम ले जाके रहेंगे। कुंची बेल जी कुछ नहीं, गोर खाली फूलल छे, एगो सुइया देते बस दया जी कुछ उन में थे वो। लेकिन बाबा को सुइया से डर लगे? हम कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बाबा को इंजेक्शन से डर लगता है, लेकिन कहते हैं कि हमको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तबीयत बहुत खराब है। कुछ नहीं हुआ है हमको। कुछ नहीं हुआ है इनको, बस थोड़ा सा पैर फूल गया। समझो कुछ नहीं जाएंगे, एक बस दिखा के आ जाए। हाँ, चलो जो थोड़ी के और जा रहे हैं लोकल हॉस्पिटल। पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, और ये हॉस्पिटल है ग्लोकल, दिखाते हैं ग्लोकल हॉस्पिटल। बाबा को अंदर हम लोगों ने बैठा दिया है, और अभी चलते हैं थोड़ा सा पानी ले आते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी की दिक्कत हो रही है। चलते हैं पानी लेके आएंगे कुछ, ये हॉस्पिटल के सामने यहाँ दुकान है कुछ, यहाँ पे आपको कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, उतना कुछ तो यहाँ नहीं मिलता, बट कुछ कुछ चीज़ें मिल जाती है। कितना हुआ भैया? हमारे दादाजी का हो गया था तबीयत खराब, उतना भी नहीं, थोड़ा सा रूटीन चेकअप करवाना था, उनका पैर फूल गया था और वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रहा था, इस वजह से हम लोग आ गए थे भागलपुर। भागलपुर पे ही लास्ट टाइम दादाजी का चेकअप हुआ था और ठीक हुए थे। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था, जो भी लास्ट टाइम का ब्लॉग देखा होगा उनको पता होगा, बहुत क्रिटिकल था। बट ग्लोकल हॉस्पिटल में हम लोग जो इनको एडमिट किए थे वहाँ पे ये ठीक हो गए थे, तो फिर हम लोग रूटीन चेकअप के लिए ग्लोकल ही लेके आए, और यहाँ पे हो रहा है हमारे दादाजी का चेकअप। पहले इनका ये देखिए चेकअप हो रहा है, फिर पता चलेगा क्या प्रॉब्लम। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि क्या हो गया है, अचानक से बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा था। और ये है GIML डॉक्टर, जो कि यहाँ के बहुत फेमस डॉक्टर हैं ग्लोकल हॉस्पिटल के, तो इन्हीं से लास्ट टाइम जब ठीक हुए थे तो हमने सोचा इन्हीं से चेकअप करवाते हैं। और यहाँ पे वो बाबा दिखा रहे थे कि पूरा पैर फूल गया है। पहले तो वो भी डॉक्टर पूछता है इनसे क्या हुआ आपको, तो ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ है, सीधा यही जवाब देंगे, ये ना कि बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, सीधा यही कहेंगे कुछ नहीं हुआ है हमको। एक होता है ना कि इंसान बीमार है तो आप बार बार कहोगे कि बीमार है, कितना भी बीमार रहे ये कहेंगे मुझे कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे GIML डॉक्टर जो है वो चेकअप कर रहे थे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो लास्ट में पता चला जब सारा कुछ चेकअप वगैरह हो गया था कि इनको लीवर में थोड़ी सी सूजन है, और जब रिपोर्ट आया था तो उस टाइम पता चला, और बाकी जो है इनका हीमोग्लोबिन भी थोड़ा सा कम है, इस वजह से इतना पैर फूल गया है। तो कोई बात नहीं, बाबा बहुत ज़्यादा बीमार थे लास्ट टाइम, उम्मीद ही नहीं था कि बचेंगे, लेकिन वहाँ से ठीक हो करके आए थे, हमें लगा कि सच में। और GIML जो डॉक्टर है ना वो बहुत अच्छे डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो उम्मीद करते हैं ऐसे ही हमारे बाबा ठीक रहे। आप लोग दुआ कीजिएगा, प्रे कीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए हमारे बाबा बहुत बहुत कुछ किए हैं, मतलब एक बहुत अच्छे इंसान है। होता है ना आजकल की दुनिया में ऐसे इंसान हमने बहुत कम देखा है, जैसे हमारे दादाजी हैं। तो अभी हम लोग आ गए सत्तू पीने के लिए, सुबह थोड़ी सी रोटी खा के आए थे लेकिन भूख बहुत लगे। हाँ करना चाहिए बाबा, लेना चाहिए बवाल जान। तो आ गए सत्तू पीने के लिए, यहाँ पे भैया सत्तू बना रहे। बाहर का कुछ खाने से अच्छा है गर्मी में स्पेशली सत्तू पी लो, सत्तू हमें अच्छा भी लगता है बहुत ज़्यादा। और ये आ गया है हमारा सत्तू एकदम मस्त, मेरा भाई और यहाँ हम, बहुत मस्त है, गर्म लग रहा है। जब इधर आना होता है तो यहाँ पे जरूर सत्तू पीते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा सत्तू बनाता है।
1 hour later. तो सारा कुछ चेकअप वगैरह हो गया और दीदी हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की, नहीं तो बहुत लेट हो जाता। लेकिन जब हमारे बाबा जी का तबीयत खराब हुआ था उस टाइम भी दीदी बहुत हेल्प की थी और हमारे बाबा ठीक हो गए। उस टाइम तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था बट ठीक हो गए हमारे बाबा। और फिर अभी आए थे नॉर्मल चेकअप के लिए, तो दीदी बहुत हेल्प की। और यहाँ के सारे स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, जो भी नर्स हैं स्टाफ हैं सब बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ऐसे बहुत प्यारी है ये। फिर होगा तो कभी मिलेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, चलते हैं। भागलपुर के तिलकम मार्केट में और यहाँ पे कुछ बाबा के लिए दवाई लिया जा रहा है, बाकी अभी जा रहे हैं नारियल पानी पीने के लिए। नारियल पानी पीने का बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा, देख रहे कहीं मिल जाए। यहाँ पे ये रहा नारियल पानी, ये लो पियो। तो हमने पी लिया नारियल पानी और नारियल पानी यार बहुत ज़्यादा कॉस्टली, 80 रुपये में एक। चलते हैं, ये तो तब से पी ही रहा है और पानी भी मीठा नहीं, बिल्कुल भी एकदम अजीब सा था। लेकिन वो लेने के बाद टेस्ट पता चला, लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं, जो था पी लिए, कुछ तो पीना बनता है। पापा भी आ गए उधर से दवाई लेकर के। नारियल पानी पी करके हम लोग आ गए यहाँ तरबूज खाने के लिए, तरबूज खाने के लिए लेने के लिए। यहाँ पापा तरबूज ले रहे, बड़ा सा दिखाती है। ये एयरपोर्ट है ना यहाँ पे भागलपुर का, जो एयरपोर्ट है हवाई अड्डा, उसके जस्ट आगे में बहुत सारी रेड़ी लगी हुई है ऐसे तरबूज की। भैया यहाँ पे